बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कुछ डाउनलोड्स हैं आपके लिए, कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए कि आपको थोड़ा सचेत रहना है, थोड़ा सावधान रहना है। कुछ चीजें हैं जिन्हें आप निग्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं कर रहे हैं और आपको करनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या है आपके लिए आज के डाउनलोड्स, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए कि आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है अपनी लाइफ में। कुछ है जो सही नहीं चल रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा। सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में थोड़ा सा ज्यादा होता है ये सब। क्या है जिसका आपको ख्याल रखना है, कौन सी चीजें जो आपको करनी है नहीं करनी है, सावधानियां बरतनी है। कई बार इंसान के पास गाइडेंस नहीं होती है, सही लोगों का साथ नहीं होता है जो उसे समझा सके, और उसकी वजह से कुछ गलत निर्णय आप ले लेते हैं, गलत स्टेप्स आप उठा लेते हैं लाइफ में जो आपके लिए सही नहीं होते। कार्ड्स को ऐसे रखो कि आप हर कार्ड देख सके। फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा याद रखिए लाइफ में, लाइफ के अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो टाइम के साथ बदलते रहते हैं। उसूल है जो कभी नहीं बदलते, लेकिन नियम जो हैं वो बदलते ही रहते हैं। टाइम के साथ उन्हें अपडेट करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है टाइम के साथ, नई नई इन्वेंशन के साथ। लाइफ में वफादारी, प्यार, इज्जत, जरूरत, ये सब वक्त के साथ बदलता है। फ्रेंड्स, आज आपके दिल में किसी के लिए बेपनाह प्यार है तो शायद कुछ समय बाद वैसा ना हो। किसी के लिए आपके दिल में बहुत इज्जत है, कुछ समय के बाद शायद वो इज्जत ना हो। कुछ लोगों के साथ आपका दिल करता है वफादारी करें, लॉयल रहें, लेकिन उनकी कुछ हरकतों के बाद आपको लगता है मुझे इसके साथ रिश्ता नहीं रखना, कोई वफादारी नहीं रखनी, कोई रिश्ता नहीं रखना। ये सब चीजें वक्त के साथ बदलती रहती हैं, लेकिन ये बात समझने में शायद आपने थोड़ी सी देर लगाई है, इसलिए ये डाउनलोड्स आपके लिए आए हैं कि देर हुई है, लेकिन बहुत देर अभी नहीं हुई है। ये चीजों को आप समझ लें, उनसे जुड़े रहना जिनके लिए ना आपके दिल में प्यार है, ना उनके दिल में आपके लिए प्यार है, ना वफादारी उनके दिल में है, ना आपके दिल में उनके लिए वो जज्बा है, ना इज्जत है उनके दिल में ना आपके लिए। तब भी आप ऐसे रिलेशनशिप्स को पकड़ के रखते हैं, और यही होता है जो आपको एक गलत मोड़ पर ले जाता है और वैसे रिजल्ट्स नहीं देता जिसकी आप इच्छा रखते हैं। आपको खुद से बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करना जरूरी है। इस बात को बैठ के सोचिए कि अगर सबकी नजर में आप ये सोचते हैं कि सब मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मान लो सब आपके लिए अच्छा ही ऐसा दिखाते हैं आपको कि वो आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं, उनके दिल में क्या है ये हम नहीं जानते। लोग आपकी इज्जत करें, आपको ऊंचा आंके, आपका बहुत सम्मान करें, लेकिन कहीं दिल में आपको पता है कैसे कैसे आप अपने खुद से नजर नहीं मिला पा रहे, क्योंकि आप वो सब कर रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते। तो ऐसा सम्मान किस काम का, ऐसा प्यार किस काम का, ऐसी वफादारी किस काम की जो कि एक्चुअली वफादारी होती नहीं है। तो कहीं आप ऐसे रिलेशनशिप्स में उलझे हुए हैं जहां ये सब चीजें खोखली हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी एक दिखावा चल रहा है उस तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, कि स्टिल एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज नॉर्मल, लेकिन सतह के नीचे बहुत ही बुलबुले हैं, बहुत ही तड़प है, बहुत ही ज्यादा आग है, कुछ भी ठीक नहीं है। लोगों की इज्जत मिल रही है, लेकिन खुद की नजर में कोई इज्जत हमारी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हम वो सब कर रहे हैं जो हम करना नहीं चाहते। आपके लिए बहुत ज्यादा ये बोल जैसे लुक फॉर अ साइन, कम्युनिकेट क्लियरली, नॉट द राइट टाइम, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस निकल कर आए हैं। बहुत ज्यादा वायलेंस, शब्दों की अब्यूजिव लैंग्वेज, ह्यूमिलिटी जो आपकी है, आपकी जो अच्छाई है उसका नहीं, लोग उसको उसका आदर नहीं कर रहे, वो आपको दिखाते जरूर हैं, आपको ना एक इमेज में बांध दिया गया है। मैं और भी क्लियरली अगर आपको ये बात समझाऊं
लोग क्या करते हैं, जब आपसे कुछ करवाना चाहते हैं ना, तो आपको एक इमेज में बांधते रहते हैं, ये इंसान तो राम जैसा है, ये लेडी तो सीता जैसी है, ये देव जैसा है, ये देवी जैसी है, ये तो कभी किसी को कुछ नहीं कहते, इनके साथ कोई कुछ भी करे तो ऐसी बातें सुनते सुनते आप ऐसे बनने लगे जैसा वो चाहते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है कि लोग तो आपकी इज्जत कर रहे हैं, वो दिखावा कर रहे हैं वफादारी का, प्यार का, इज्जत का, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में आपको पता है कि आप खुद की इज्जत नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको ये सब करना नहीं और आपसे करवाया जा रहा है आपकी अच्छाई का फायदा उठा के। मतलब आपको ऐसा बना देते हैं बोल बोल के जैसा वो आपको बनाना चाहते हैं, और ऐसी इज्जत पाने के चक्कर में जो कि बिल्कुल झूठी है, इंसान अपने आप को उस तरह से ढालने लग जाता है। और क्या होता है कि वो खुद के साथ खुश नहीं होता। तो आपके लिए बहुत जरूरी मैसेज है, खुद के साथ वक्त निकालिए, खुद के लिए भी कुछ कीजिए। बहुत सबमिसिव हुए आप, बहुत सबके चाह के हिसाब से चले आप, अब वक्त है आपको खुद के लिए तीर कमान उठाना ही पड़ेगा। इस इमेज को तोड़ दो, इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपनी सोशल केयर करते हैं, अगर आप अपनी इमोशनल केयर करते हैं, फिजिकल केयर करते हैं, स्पिरिचुअल केयर करते हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपको कॉन्स्टेंटली ऐसा समझाया जाता है कि जो तुम कर रहे हो ना वो सब, मतलब अगर आप खुद की केयर करते हो तो तुम अच्छे नहीं हो, क्योंकि तुम खुद की केयर करते हो। अपनी इमोशनल केयर, अपनी स्पिरिचुअल केयर, अपनी फिजिकल केयर करना अब लग्जरी बनता जा रहा है आपके लिए। ये गलत मैसेज आपको समझाए जा रहे हैं, गलत मैसेज आपको दिए जा रहे हैं। आपको इसमें से बाहर निकलना जरूरी है, इन शैकल्स को तोड़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आप देख रहे हैं कैसे ये एलिफेंट है, कैसे एक फ्रीडम का एहसास हो रहा है उसको, सब कुछ छोड़ रहा है, रिनंसिएशन छोड़ देना है। ये सब झूठ से आपको अपना पीछा छुड़ाना है। आपको अपने लिए एक ऐसी बाउंड्री बनानी है कि उसमें प्यार और इज्जत दोनों का संगम होना चाहिए। जो उस बाउंड्री को तोड़ता है, आपकी इज्जत या आपके लिए जो प्यार नहीं रखता सच्चे दिल से, उसकी आपकी लाइफ में कोई जगह नहीं। सारे आपकी इज्जत नहीं करते, ना करें, लेकिन जब आप आईने में खड़े होके खुद के साथ इज्जत से नजरें मिला सकते हैं, ऐसी आपको इस वक्त केयर खुद की करने की जरूरत है। ऐसे मैसेजेस आपके लिए इस वक्त आ रहे हैं जो कि आप शायद नहीं समझ पाए। अपनी जो आपकी लाइफ में स्ट्रेसर्स हैं, जो आपको स्ट्रेस देते हैं, जो लोग, जो सिचुएशन आपको स्ट्रेस देती है, अपने आप को उससे दूर कीजिए। अपने लिए इमोशनल केयर कीजिए, फिजिकल केयर, पार्लर में जाइए, कहीं सलून में जाइए, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट लीजिए जो आपको पसंद आता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मेडिटेशन होता है, ऑफ कोर्स अगर आप इस चीज को एंजॉय करते हैं। या तो एक ट्रिप पर जाइए जहां आप अकेले हो, अपने बस अपनी मस्ती में अपने साथ टाइम स्पेंड करें, या किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसे आप सच में बहुत चाहते हैं, जिसके और आपके दरमियान कोई पर्दा ना हो, ऐसा कोई इंसान हो उसके साथ एक ट्रिप पर जाइए। खुद के लिए पैसे खर्च कीजिए, खुद के लिए टाइम दीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए। ऐसा आपके लिए मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। बहुत किया आपने औरों को अच्छा लगाने के लिए, उनकी नजर में पॉजिटिव रहने के लिए, ये सब आपने बहुत किया उनसे इज्जत पाने के लिए। एक्चुअली आप पाना तो नहीं चाहते थे, आपने ये सब जानबूझ के नहीं किया, आपको ऐसी इमेज में बांध दिया गया जो कि बहुत गलत है। इससे इंसान जो बनना चाहता है, जैसा रहना चाहता है, वैसा रह नहीं पाता, क्योंकि कॉन्स्टेंटली उसको ये कहा जाता है ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, देव है, देवी है, अपने लिए कुछ नहीं करता, दूसरों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ऐसा बोल बोल के आपको कमजोर बनाया गया है, ये आपको ताकतवर नहीं बनाया गया है। ये इज्जत आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि आप उनके दिल की कर रहे हैं। जिस दिन आप उनके दिल की ना करें और वो आपकी इज्जत करे ना, तब मानिए कि ये जो है सही लोग हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने मन की करेंगे, ये सब आपसे ऐसे नजरें फेर लेंगे जैसे आपका उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, नाउ इज द राइट टाइम, परफेक्ट टाइम। बहुत कर लिया आपने, बहुत सह लिया आपने, शायद कई मेरे व्यूअर्स को ये भी नहीं पता चला होगा कि उन्होंने कुछ सहा है, उन्हें ये सब नॉर्मल लगता है, उन्हें कहीं ना कहीं ये सब नेचुरल लगने लग जाता है, क्योंकि ऐसी घुट्टी पिलाकर उनको
टाइम टू टाइम ऐसी घुट्टी पिलाई जाती है तुम ये हो तुम वो हो कि आपको खुद के लिए कुछ भी करने में गिल्ट फील होता है, शर्म आती है। ये शर्म निकाल दें और खुद के लिए जीना सीखें। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आज की इस रीडिंग से आया है। ये आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो अगर देर हो गई तो आपकी इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल हेल्थ पर असर हो सकता है। आइए देखते हैं और क्या डाउनलोड्स हैं आपके लिए आज के इन कार्ड्स में। नेवर गिव अप, यू विल रीच वेयर यू वॉन्ट टू। कभी भी आशा मत छोड़िए, कभी भी निराश मत होना। आपको वो सब मिलने ही वाला है जिसकी आप चाह रखते हैं। आपको जरूर वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। यू विल रीच कल्ट स्टेटस इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में आप वो मुकाम हासिल करेंगे जब आप सावधान हो जाएंगे, जब आप ऐसे पाखंडी लोगों से अपना पीछा छुड़ा लेंगे और खुद पर ध्यान देंगे। आप एक कल्ट स्टेटस, मतलब एक ऐसा मुकाम जिस पर से आपको हिलाना दूसरों के लिए नामुमकिन हो जाएगा। इतनी इज्जत और सच्ची इज्जत, ये जो अभी आपको मिल रही है ना फ्रेंड्स, आपके लिए मैसेज है। ये आपको झूठी झूठी इज्जत देते हैं, झूठा झूठा प्यार, झूठी वफादारी दिखाते हैं, क्योंकि अभी आप वो ही कर रहे हैं जो ये चाहते हैं। जिस दिन आप इनके शक्ल से बाहर निकल के अपने मन की करेंगे ना, उस दिन आपके आसपास कहीं खड़े भी नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप ये करेंगे, थोड़ा टाइम आपको तकलीफ होगी, लेकिन फिर आप ऐसे उठेंगे कि आपको टच करना लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। 46 मार्च ई एच और एन आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। अगले 10 दिनों में कोई जबरदस्त न्यूज आएगी। अगले 10 दिनों में आपके लिए कोई बहुत ही हैप्पी न्यूज आने वाली है, उस पर जरूर गौर कीजिए और डेफिनेटली कमेंट्स में मेंशन करना वो न्यूज क्या थी। बहुत ही अच्छी न्यूज आएगी आपके लिए। अ वेरी फ्यू कैन बी एज क्यूट एज यू आर। किसी का आपके लिए मैसेज है, आप जितने प्यारे हैं, जितने अच्छे और सच्चे हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। 11:51 आपके इम्पोर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं या उस पर्सन के जिसने आपके लिए ये मैसेज भेजा है। प्रे रेगुलरली। इन लोगों के झमेलों में कभी कभी आप इतने गुम हो जाते हैं, इनको खुश करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि आपकी जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना ऊपर वाले से, वो कम हो जाती है। आपके लिए मैसेज आया है, अपनी स्पिरिचुअल क्लीनिंग कीजिए, स्पिरिचुअल कनेक्ट केयर अपनी कीजिए, प्रे कीजिए रेगुलरली। प्रे से मतलब सिर्फ भगवान को याद करना तो एक हिस्सा है, खुद की केयर करना, खुद से प्यार करना, खुद का ध्यान रखना और पाखंडी लोगों से दूर रहना, ये भी प्रेयर का ही एक हिस्सा है। 10:17 कैंसर टॉरस आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। ओ बेबी डोंट ब्रेक माय हार्ट। किसी का आपके लिए मैसेज है, शायद आपकी किसी एटीट्यूड की वजह से किसी का दिल टूटा है। अगर आपको पता चल गया ये पर्सन कौन है तो जरा माजरत कर लीजिए उनके साथ, वो बहुत परेशान है क्योंकि आपने अनजाने में ही उनका दिल तोड़ा होगा। 1/9/33 एस क्यू या क उनकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म है या आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स है। दे ऑलवेज थिंक बैड फॉर यू। कुछ लोग हैं, यही होंगे पाखंडे, जो आपको फील तो ये कराते हैं कि वो आपके लॉयल हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं, लेकिन दिल ही दिल में वो आपके लिए बुरा ही सोचते हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप अपने पे आए, जिस दिन आपने अपने मन की ना, ये आपको कुछ नहीं गिनने वाले। तो ऐसे झूठे लोगों की इज्जत और प्यार से हम क्यों अपने आप को, अपना वर्चस्व क्यों हम बर्बाद करें, क्यों इसे खराब करें। हम अपने लिए जिए। देखो, अपने लिए जीने का मतलब नहीं होता दूसरों के लिए केयर नहीं करना। नाजायज दूसरों की डिमांड के आगे सिर टेकना बहुत गलत होता है। तो ये आपके लिए बुरा चाहते हैं। 9/11 आपकी लाइफ के या इनकी लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स होने के फुल चांसेस हैं। दिस ईयर इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। इस साल कुछ गजब का होने वाला है आपकी लाइफ में। मैं ये नहीं कहती बहुत बड़ी कोई चीज, कोई बहुत बड़ा चेंज या बहुत बड़ी कोई उपलब्धि, छोटे ही सही, लेकिन आपके लिए बहुत ग्रेट होने वाली है।
22-35 सैटरडे आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आई लव यू मोर देन माई लाइफ बिकॉज यू आर सो स्पेशल। किसी ने आपके लिए मैसेज लिखा है, भेजा है, डाउनलोड आया है कि आपको वो अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि आप बहुत स्पेशल हो, क्योंकि ये पर्सन उनमें से होंगे जो आपकी इस सेक्रीफाइस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जानते हैं आपका बहुत जबरदस्त मैनिपुलेशन और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है जिसकी आपको अभी खबर ही नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं आप खुद को स्पेशल माने जो कि आप हैं। इन लोगों के पीछे खुद को खर्च मत कीजिए जो उसकी वैल्यू नहीं करते दिल में। 55-6 मंडे आपकी लाइफ के या उनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के फुल ऑन चांसेस हैं। योर ओपोनेंट्स आर वरीड। आपके जो विरोधी हैं, दुश्मन हैं, उन्हें कोई चिंता खा रही है। शायद मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं, ये रीडिंग देखने से पहले ही अपने आप में चेंज लाने लगे हैं, जैसे कि आप अपनी इमोशनल, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल केयर करने लगे हैं, जिससे ये लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को पता चलने लगा है कि आपके अंदर वो अवेकनिंग आ रही है, आप उनकी हकीकत को समझने लगे हैं, इसलिए वो परेशान हैं। कैंसर, लियो, सेजिटेरियस आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं या आपके विरोधियों की लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के फुल चांसेस हैं। इमोशनल अटैक्स ऑन यू बट योर सेफ्टी इज गारंटीड और अश्योर्ड। आप पर इमोशनल अटैक्स किए जाते हैं, आप जब भी अपने दिल की कुछ करना चाहते हैं, जैसा ये चाहते हैं, उस रूल को अगर तोड़ना चाहते हैं तो आप पर इमोशनल अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं कि तुम तो कितने अच्छे थे, तुम तो देव थे, तुम तो देवी थे, तुम कभी अपने लिए कुछ नहीं करते, औरों के लिए करते हैं, आज ऐसा क्यों किया। तो इस तरह के आप पर इमोशनल अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको इस बहुत ही गंदे शिकंजे से बाहर निकलने की जरूरत है। फरवरी, अप्रैल आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं या उनकी लाइफ में जो आप पर इमोशनल अटैक्स करते ही रहते हैं। सिबलिंग राइवलरी। आपके सिबलिंग, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन या कजिन कुछ है जिनसे आपकी बहुत ही ज्यादा राइवलरी चलती है, ये उन लोगों में से हो सकते हैं जो आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। CGZ18 आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म हो सकते हैं या इन सिबलिंग्स के जो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कजिन हो सकते हैं या सगे भाई बहन भी हो सकते हैं, इनके साथ आपकी जबरदस्त कंपटीशन चलती रहती है। यू विल शाइन इन योर करियर, जॉब, बिजनेस एंड स्टडीज। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपके लिए आया है। जैसे ही आप इस विशेष सर्कल में से बाहर निकल जाएंगे, ये कनिंग लोगों के चुंगल में से बाहर आ जाएंगे, अगर आपको देव नहीं मानते ना माने, आपको देवी नहीं मानते ना माने, आपको अच्छा नहीं मानते ना माने, आप जरूर शाइन करेंगे जिस दिन आप इनके शिकंजे से बाहर आ जाएंगे। फिर वो चाहे आपका करियर है, जॉब है, बिजनेस, स्टडीज, आपके रिलेशनशिप हो, आपकी फैमिली में, आपकी जो एक पोजिशन है वो शाइन करेगी। आइए एक आध कार्ड और निकाल के रीडिंग को करते हैं क्लोज। बीवेयर ऑफ नेगेटिव पीपल अराउंड यू। आपके आसपास ये नेगेटिव लोगों ने एक ऐसा जाल बना दिया है जिसमें आप बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं, लेकिन आज की रीडिंग आपकी आंखें जरूर खोल चुकी होगी। आपको रियलाइज हुआ होगा आपको सबकी नजर में अच्छा बनना जरूरी नहीं है। अगर ये सच्चे हैं तो आप जो भी करेंगे ये आपको प्यार करेंगे, क्योंकि आप जो भी करेंगे तो उसमें आप इनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, बस आप खुद की केयर करेंगे। अगर आपकी खुद की केयर करने से इनको तकलीफ होती है तो ये आपके आसपास कहीं नहीं टिकने चाहिए। इन नेगेटिव लोगों से बचिए। 4-71-62 आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं या इन लोगों की जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है आपको लेकर। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग यहाँ होती है कम्प्लीट। आज का एफर्मेशन है, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। मैं खुद की बहुत इज्जत करता हूँ या करती हूँ। कुछ ना समझ आए, आई क्लेम दिस रीडिंग या एक छोटा सा यस। और फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ, चैनल को इतना प्यार सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। जितना आप प्यार देते हैं इस चैनल को, मेरा दिल करता है मैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपके लिए लाऊं कि जिससे आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव और जबरदस्त चेंजेस आए। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग लेनी है मुझसे पर्सनल, तो जीमेल
कीजिए मुझे, जीमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्लियरली लिखा हुआ है। कमेंट सेक्शन में बस उतना ही लिखिए जो कि रीडिंग से रिलेटेड है, जैसे आज की हमने रीडिंग की है, कौन है ये लोग जो आपके साथ ऐसा करते हैं, आपको झूठी इमेज में बांध के आपका फायदा उठाते हैं, डेफिनेटली मेंशन कीजिए। लेकिन अपने फोन नंबर्स, अपने जो बेसिक प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको मुझसे गाइडेंस चाहिए, वो सिर्फ आपको मेल में ही लिखना है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग होती है कंप्लीट। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मथुरा। बाय बाय।